मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसीलिए स्त्रियां दुनिया में कोई क्रिएटिव काम नहीं कर पाती, क्योंकि वो इतना बड़ा क्रिएटिव काम कर लेती हैं कि और कोई सब्स्टिट्यूट खोजने की जरूरत नहीं रह जाती, एक जीवित बच्चे को जन्म देना। लेकिन पुरुष ने दुनिया में बहुत सी चीजें पैदा की हैं, स्त्री नहीं पैदा की। पुरुष चित्र बनाता है, मूर्तियां बनाता है, विज्ञान की खोज करता है, गीत लिखता है, संगीत बनाता है। ये जान के आप हैरान होंगे कि स्त्रियां सारी दुनिया में खाना बनाती हैं, लेकिन अच्छे खाने की खोज सदा ही पुरुष करता है, नए खाने की खोज पुरुष करता है। और दुनिया का कोई भी बड़ा होटल या कोई बड़ा सम्राट स्त्री रसोइयों को रखने को राजी नहीं है, पुरुष रसोइयों को रखना पड़ता है। चाहे चित्र बनता हो दुनिया में, चाहे कविता पैदा होती हो, चाहे एक उपन्यास लिखा जाता हो, चाहे एक नई मूर्ति गढ़ी जाती हो, वो सब काम पुरुष करता है। बात क्या है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पुरुष ईर्ष्या अनुभव करता है, स्त्री के समक्ष हीनता भी अनुभव करता है। वो भी कुछ पैदा करके दिखाना चाहता है जो स्त्री के समक्ष सामने खड़ा हो जाए और कहा जा सके हमने भी कुछ बनाया है, हमने भी कुछ पैदा किया है। और स्त्री कुछ पैदा नहीं करती, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज पैदा करती कि उसके मन में फिर और पैदा करने का कोई कामना नहीं रह जाती।